जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। बसपा ने मोहनलालगंज लोकसभा सीट से राजेश कुमार को दिया टिकट। 2015 में लड़ा था जिला पंचायत का चुनाव। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी रूपी योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। एक एक करके सारी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं। सपा तथा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन किया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर महागठबंधन के तहत कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। महागठबंधन ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणाएं कर दी, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणाएं कर दी, किंतु सभी की निगाहें बसपा प्रमुख मायावती की ओर टिकी थी। बसपा प्रमुख मायावती ने अभी तक किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया था, जिसके बाद भाजपा तथा इंडिया गठबंधन की निगाहें बसपा की ओर थी। आज बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। बहुजन समाज पार्टी ने मोहनलालगंज लोकसभा सीट से राजेश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान 2015 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुके हैं। बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी ने मोहनलालगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा ने मोहनलालगंज सुरक्षित संसदीय सीट से प्रत्याशी की घोषणा की। पार्टी ने निगोहा निवासी राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार ने कहा कि बसपा सुप्रीमो ने उन पर भरोसा जताया है, वह पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा, सपा तथा कांग्रेस की तुलना में बसपा काफी मजबूत है। बनाया गया है, किस तरह चुनाव लड़ेंगे, काफी फाइट रहेगी इस बार। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो है संगठन बहुत मजबूत है अपना, और हमारे बहुजन में छोटे छोटे संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है, और पूरे संगठन हमारे साथ है। पूरी मजबूती साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीता भी जाएगा, क्योंकि भाजपा से बहुत ज़्यादा मजबूत हमारा संगठन। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, जनता को कैसे अपनी तरफ आप अट्रैक्ट करेंगे? मुद्दे रहेंगे जैसे कि महंगाई हो गया है, शिक्षा हो गया है, महंगाई में शिक्षा हो गया है, दवा हो गया है, जो है जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से, और सपा से और बीजेपी से हमारा संगठन मजबूत है। हम लोग पूरी तरीके से चुनाव जीतेंगे और पूरी तरीके से हमारा संगठन मजबूती से लगा हुआ क्षेत्र में। PDA और NDA की बात चल रही है, बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, अकेले अकेले खुद बसपा इतना मजबूत है, संगठन बहुत मजबूत है जी। मोहनलालगंज पे बीजेपी का कब्जा रहा है, दो बार से सांसद रहे हैं कौशल किशोर जी, तो इस बार आप भी चुनौती उन्हें दे रहे हैं। इसके अलावा PDA गठबंधन भी रहेगा अपोजिट में, तो काफ़ी कठिन आपकी ये राह रहेगी। नहीं, अपना बताया ना कि आपको कि हमारा जो है संगठन बहुत मजबूत है, चाहे PDA लगे, चाहे BJP लगे, चाहे सपा लगे, सभी से हमारा संगठन मजबूत है। हम लोग पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं से कोई हम लोगों को जो है कमजोरी नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई बेरोजगारी से काफी त्रस्त आ चुकी है। बसपा के संगठन में कई छोटे छोटे संगठन आते हैं जो काफी मजबूत है। बसपा पूरी मजबूती से अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। जिला अध्यक्ष शैलेन कुमार गौतम ने बताया कि राजेश ने वर्ष 2015 के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। इस मौके पर MLC भीमराव अंबेडकर, लखनऊ मंडल प्रभारी रामनाथ रावत, अखिलेश अंबेडकर समेत कई कार्यकर्ताओं ने राजेश कुमार को बसपा प्रत्याशी बनाए जाने की बधाई दी। सगौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।